भोली झारखंड मोड़ के पास हुए सड़क हादसे में मृतक बिक्की पांडे के विकलांग पिता श्याम पांडे को समाज सेवी लाल बाबू सिंह ने गुरुवार को उनके सी ब्लॉक स्थित आवास पर एक स्वचालित वाहन प्रदान किया। भाजपा नेता विशाल सिन्हा ने बताया कि बिक्की पांडे की दुखद मौत के बाद उनके परिवार की सहायता के लिए स्वचालित वाहन देने का वादा किया गया था, जिसे आज पूरा किया गया है। वहीं एलबी सिंह ने श्याम पांडे को वाहन की चाबी सौंपी। घड़ी के दुख के वक्त आपने इनका साथ दिया था, आज इनको गाड़ी देने की व्यवस्था है, किस तरह से इनको आगे मदद किया जाएगा? देखिए, यहाँ झारखंड जो मोड़ के पास जो हादसा हुआ था वो बड़ा दर्दनाक और दुखदायी था। वहाँ पे इनके बच्चे का एक्सीडेंट हो गया और वो एक्सपायर कर गए। हम लोगों ने वहाँ पर अपना जोर लगा कर, वहाँ जो कॉन्ट्रैक्टर था हीट लाइन में काम करता था उसको हम लोगों ने उससे वार्ता की, और वार्ता करने के बाद हम लोगों ने वहाँ जितने भी गलत तरीके से कट थे उसको बंद करवाने का काम किया है। दूसरा, अब बच्चा तो चला गया, उसकी भरपाई तो हम लोग नहीं कर सकते हैं, लेकिन उनके पिताजी थे ये भी दुर्घटना, इनका भी जो पैर का हालत है वो ठीक नहीं है, तो हम लोगों ने देखा कि रोज़मर्रा के काम करने में इनको तकलीफ़ हो रही थी, तो हम लोगों ने इनके दुख को शेयर किया और हम लोगों ने एक स्कूटी चार पहिया इनको दिया ताकि ये रोज़मर्रा का अपना काम कर सकें और अपने दुख को थोड़ा कम कर सकें। और मैंने एक वचन भी लिया कि इनका छोटा बेटा यहाँ पे है, अब चूंकि घर का बड़ा बेटा चला गया और ये अकेले पड़ गए, रोजी रोजगार का दिक्कत है, तो आने वाले भविष्य में इनको कोई दिक्कत मत हो, इनके छोटे बेटे को अभी उनका कुछ कार्यक्रम बचा हुआ है वो सब काम कर ले, उसके बाद हम उनको नौकरी लगा के कहीं ना कहीं उनका व्यवस्था कर देंगे ताकि इनका घर परिवार चलता रहे। इस अवसर पर एलबी सिंह बी ब्लॉक स्थित मां मंगला चंडी मंदिर भी पहुंचे और संध्या आरती में भाग लिया। गौरव पांडे ने उनका स्वागत चुनरी ओढ़ाकर किया। वहीं मौके पर कुंभनाथ सिंह, आदिनाथ पांडे, पारसनाथ यादव, ओम प्रकाश पांडे, रंजय कुमार सहित कई गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे।